हेलो एवरीवन, मैं हूँ निवेदिता वाग और आज हम देखने वाले हैं WFP सिस्टम में लगे हुए K05 और प्रेशर स्विच की सर्किट डायग्राम। ड्यूरिंग मेंटेनेंस बहुत बार ये इशू आता है कि सिस्टम में नो डिस्प्ले होता है। अब नो डिस्प्ले होने के कई कारण हो सकते हैं, तो हमें एग्जैक्टली पता कैसे चलेगा कि इशू क्या है और हम उसे सॉल्व कैसे करेंगे, ये हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस डायग्राम को समझ लेते हैं जिससे हम इजीली डिफेक्ट फाइंड आउट कर सकें। तो अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी सिस्टम चलती है 110 वोल्ट डीसी पर। अब ये 110 वोल्ट डीसी आता है हमें बैटरी से। अब बैटरी से जो कनेक्शन आता है वो आता है दो फ्यूज के थ्रू, फर्स्ट वन इज 63 एंड सेकेंड वन इज 65। तो 63 से आता है पॉजिटिव और 65 से आता है निगेटिव सप्लाई। तो अब देखिए यहाँ से ये जो 63 का सप्लाई है ये आता है 41 में और 65 का ये सप्लाई आता है 43 में। तो अब ये चीज़ तो हमको क्लियर है कि 41 है पॉजिटिव और 43 है निगेटिव। सो अब देखिए ये जो 41 है यहाँ से दो आउटपुट निकलते हैं। पहला आउटपुट यहाँ से आता है 15 नंबर पर और जो सेकेंड आउटपुट है ये जा रहा है 42 में जो प्रेशर स्विच। अब इसका मतलब क्या है कि अगर प्रेशर स्विच ऑन कंडीशन में है तो हमारे 41 से सप्लाई जाएगा 42 में। तो अब 41 से पॉजिटिव सप्लाई 42 में जा रहा है, तो अगेन 41 और 42 दोनों पॉजिटिव है और 43 निगेटिव है। अब यहाँ से 42 से ये कनेक्शन आया यहाँ पे A1 है, दैट मीन्स कि A1 है हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है और 43 से ये देखिए निगेटिव आया A2 में, मतलब A1 इज पॉजिटिव एंड A2 इज निगेटिव। अब A1 और A2 के बीच में लगी होती है एनर्जाइजिंग कॉइल। जब एक कॉइल एनर्जाइज होती है इसका काम होता है 15 नंबर को A2 के साथ कनेक्ट और डिसकनेक्ट करना, मतलब 41 नंबर से जो पॉजिटिव सप्लाई आ रहा है ये आगे तभी बढ़ेगा जब ये कॉइल चलेगी। तो इस कॉइल का काम होता है इसको 15 नंबर को 18 नंबर से कनेक्ट और डिसकनेक्ट करना। तो अब यहाँ से देखिए 18 नंबर से ये सप्लाई जा रहा है 44 को, दैट मीन्स कि हमारी WFP सिस्टम की ये जो डायग्राम है सर्किट डायग्राम, इसमें 41, 42 और 44 तीनों ही है पॉजिटिव और अकेला 43 है जो है निगेटिव। तो अब देखिए यहाँ पे हमने डायग्राम तो समझ लिया और ये जो 43 और 44 है यहाँ से ये जो कनेक्शन जाता है ये जाता है पावर कार्ड, मतलब हमारे माइक्रो प्रोसेसर को। तो अगर सपोज मैं किसी कोच पे गई वहाँ पे नो डिस्प्ले है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी चेक करना कौन सा है। सबसे पहले मुझे चेक करना होगा कि ये जो फ्यूज है इनके इनपुट में वोल्टेज क्या आ रहा है। उसके लिए मैं मल्टीमीटर का पॉजिटिव जो एंड है वो लगाऊंगी 63 में और निगेटिव एंड है वो लगाऊंगी 65 में। अगर यहाँ पे मुझे 110 वोल्ट मिलता है दैट मीन्स कि सप्लाई सही है, लेकिन अगर यहाँ पे 110 वोल्ट से मुझे कम सप्लाई मिलता है तो हो सकता है कि हमारी बैटरीज चार्ज नहीं हो। तो अब इस केस में हमें बैटरीज को चार्ज करना है। जैसे ही यहाँ पे सप्लाई 110 वोल्ट आने लग जाएगा हमारी सिस्टम ऑन हो जाएगी। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सप्लाई है 110 वोल्ट का फिर भी नो डिस्प्ले है, तो हमारी सेकेंड स्टेप होगी कि हम चेक करेंगे फ्यूज के आउटपुट में सप्लाई चेक करना। तो अगर इनपुट में 110 है तो आउटपुट में भी 110 होना चाहिए। अगर यहाँ पे नहीं है तो इसका एक रीज़न हो सकता है कि हो सकता है हमारा फ्यूज ब्लोन हो, या मतलब जिसे हम लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं हमारा फ्यूज उड़ा हुआ हो। अगर फ्यूज उड़ा हुआ है तो उस केस में यहाँ से सप्लाई यहाँ तक नहीं आएगी। तो अब इस केस में हम क्या करेंगे कि फ्यूज को रिप्लेस करेंगे विथ न्यू वन। जब हम यहाँ पे नया फ्यूज डाल देंगे तब हमारे सिस्टम में डिस्प्ले आ जाएगा और यहाँ पे भी हमें 110 वोल्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने चेक किया और यहाँ पे भी सप्लाई सही है तो इस केस में मैं क्या करूँगी। अब जैसा कि हमने देखा कि 43 निगेटिव है और बाकी ये तीनों पॉजिटिव है, तो जब भी मुझे यहाँ पे वोल्टेज चेक करना होगा तो मैं एक तो निगेटिव वाला डालूंगी 43 में और बाकी जो बचा हुआ है जिसमें मैं मुझे चेक करना है पॉजिटिव वाला डालूंगी 41, 42 या 44 में। तो अब करंटली हमें चेक करना है इन दोनों के बीच में, मतलब जो फ्यूज से आया वो सप्लाई यहाँ पे मिला या नहीं। तो उसके लिए मैं डालूंगी पॉजिटिव वाला 41 में और निगेटिव वाला 43 में। तो अगर हमारी यहाँ से मतलब फ्यूज से बैटरी तक का कनेक्शन अगर सही है तो यहाँ पे मुझे 110 वोल्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल नहीं है तो मैं ये वायर चेक करूँगी कि कहीं वायर टूटी हुई तो नहीं है, कोई दूसरा इशू तो नहीं है। उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 110 वोल्ट डीसी मिलता है तो हमारी नेक्स्ट स्टेप है हम चेक करेंगे 42 और 43 के बीच में सप्लाई। अब यहाँ पे देखिए मैंने जैसे कि पहले आपको बताया कि 41 से प्रेशर स्विच के थ्रू 42 में आता है सप्लाई। तो अगर 41 और 43 में 110 वोल्ट है लेकिन 42 और 43 में सप्लाई नहीं मिल रहा तो इसके दो कारण हो सकते हैं। दैट मीन्स कि प्रेशर स्विच है सप्लाई यहाँ से यहाँ नहीं दे रहा 41 से 42। अब अगेन इसके दो कारण होते हैं। सबसे पहला कारण हो सकता है कि FP के प्राइम में प्रेशर 1.6 kg/cm² से कम है, क्योंकि जब 1.6 kg/cm² से
ज्यादा होगा या फिर प्रेशर, जब भी प्रेशर स्विच ऑन होता है वो 40% रहता है 40। या फिर सेकेंड रीजन हो सकता है कि इवन तो ये भी चार्ज है लेकिन फिर भी हो सकता है कि हमारा प्रेशर स्विच खराब हो जो कि यहाँ से करंट यहाँ पे पास नहीं कर रहा, हो सकता है कभी प्रेशर स्विच को केबल कट हो। तो अब इस केस में अगर मुझे डाउट है कि प्रेशर स्विच खराब है लेकिन मुझे इंश्योर करना है कि एग्जैक्टली प्रेशर स्विच ही है जिसकी वजह से इशू हुआ, तो मैं क्या करूँगी, छोटी सी वायर होगी जिसको लूप वायर या फिर जंपर भी बोलते हैं, उसे मैं इंसर्ट करूँगी 41 और 42 के बीच में। अब देखिए करंट जो होता है वो ईजिएस्ट पाथ फॉलो करता है, अगर उसे यहाँ से 41 से 42 में जाने के लिए पाथ नहीं मिल रहा प्रेशर स्विच के थ्रू तो वो यहाँ पर लूप वायर से 41 से 42 में चला जाएगा। और अगर एग्जैक्टली हमारा इशू प्रेशर स्विच के साथ ही है तो जब करंट यहाँ से यहाँ तक पास हो गया तो हमारा डिस्प्ले आ जाएगा, इससे हम क्लियर हो जाएंगे कि इशू जो है ये है प्रेशर स्विच का। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि अगर प्रेशर स्विच के साथ कोई इशू है तो हम उसे सुधारने की कोशिश करेंगे, अगर कोई केबल टूटी हुई है तो हम उसे ठीक करेंगे। तो इस प्रकार हम इसको अटेंड कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल 42 और 43 के बीच में भी सप्लाई है, मतलब 110 वोल्ट डीसी मिल रहा है लेकिन फिर भी डिस्प्ले नहीं आ रहा, तो हमारी नेक्स्ट स्टेप होगी हम चेक करेंगे 43 और 44 के बीच में सप्लाई। अगर 43 और 44 के बीच में सप्लाई नहीं मिल रहा तो इसका मतलब एक ही हो सकता है कि हमारा K05 डिफेक्टिव है या फिर K05 की कोई वायर टूट गई या फिर K05 के साथ कोई इशू है। अब अगर मुझे कंफर्म करना है कि एग्जैक्ट इशू मेरा K05 के साथ है तो अगेन जैसा मैंने आपको बोला कि हम जंपर या फिर लूप वायर यूज़ कर सकते हैं, तो मैं लूप वायर यूज़ करूँगी 42 और 44 के बीच में। अब इससे क्या होगा कि जो सप्लाई है ये प्रेशर स्विच से तो आएगा लेकिन ये K05 को बाईपास कर देगा, मतलब 42 से सप्लाई आएगा 41 में। तो अगर इशू K05 के साथ है तो जैसे ही हम लूप वायर डालेंगे 42 और 44 के बीच में डिस्प्ले आ जाएगा और इसका मीनिंग है कि हमारा इशू K05 के साथ है। अब इस केस में हम K05 की सेटिंग चेंज करेंगे, अगर उसकी कई वायर्स वगैरह टूटी हुई है अगर उसे सुधार पाए तो सुधारेंगे या फिर उसको चेंज करेंगे। तो इस प्रकार ही हमने देखा प्रेशर स्विच और K05। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल 43 और 44 के बीच में भी सप्लाई है लेकिन फिर भी डिस्प्ले नहीं आ रहा, तो देखिए हमने देखा कि यहाँ से ये जा रहा है पावर कार्ड, मतलब हो सकता है कि हमारे पावर कार्ड में कोई इशू हो या फिर हमारे सीपीयू कार्ड में कोई इशू हो। अब इस केस में हम क्या करेंगे, नया वाला सीपीयू कार्ड या फिर नया वाला पावर कार्ड हम इंसर्ट करेंगे, पुराना वाला निकाल के। अगर नया वाला कार्ड डालने के बाद डिस्प्ले आ गया तो ये क्लियर हो जाएगा कि हमारा जो इशू था वो था पावर हमारे पावर कार्ड के साथ। एंड सिमिलरली हम उसको सेकेंड टाइम कन्फर्म इस प्रकार भी कर सकते हैं कि जो हमारा खराब वाला कार्ड है हम उसे किसी फिट कोच में डाल के रखेंगे, तो जिससे हमें आइडिया आ जाएगी अगर उसका डिस्प्ले चला गया दैट मीन्स कि वो कार्ड खराब है, इस केस में हमें कार्ड रिप्लेस करना होगा। तो ये तो थी K05 और प्रेशर स्विच की सर्किट डायग्राम, और अगर नो डिस्प्ले आता है तो हम उसे कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।